नारी सुरक्षा को लेकर योगी सरकार शुरू से ही सख्ती दिखाती नजर आ रही है। नारी सुरक्षा और गो रक्षा दोनों योगी के एजेंडे में है, जिसके चलते यूपी में नारी उत्पीड़न पर सरकार लगातार सख्ती किए हुए है। इसी के चलते लगातार कई कॉलेजों में नारी सुरक्षा को लेकर कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी श्रृंखला में गोकुलदास गर्ल्स डिग्री कॉलेज में नारी सुरक्षा दिवस मनाया गया। इसमें मुख्य अतिथि एसपी ट्रैफिक रहे। यहां वक्ताओं ने बताया कि नारी सुरक्षा के लिए कई सख्त कानून हैं, जिसे नारी अपनी सुरक्षा के अधिकार को जान सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मैंने सोचा कि कार्यक्रम किया गया, आपके स्कूल में भी कार्यक्रम किया, क्या उद्देश्य क्या रहा इसका? आज इसी क्रम में महाविद्यालय में एसपी ट्रैफिक और एसएचओ मुगलपुर उपस्थित थे और उन्होंने छात्राओं को बहुत विस्तार से उनको कानूनी जानकारियां दी जो महिला सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं। साथ ही उन्होंने छात्राओं को प्रेरित किया कि वो बिल्कुल बिना डरे अपनी सुरक्षा करें, अपने आसपास लोगों की सुरक्षा करें और हर समय अपने पास कुछ न कुछ इस तरह का सामान रखें जिससे कि अचानक से उन पर हमला होने की स्थिति में वो अपनी रक्षा कर सके। जैसे पेपर स्प्रे है या सेफ्टी पिन है या इस तरह की चश्मे का केस है, पर्स है, जो भी चीज़ उनके हाथ में हो उससे वो अपनी सुरक्षा कर सकती है। साथ ही उन्होंने नारी शक्ति के लिए शक्ति परी बनाने के लिए भी छात्राओं से फॉर्म भरवाए हैं, जिससे कि छात्राओं को स्पेशल पुलिस ऑफिसर का दर्जा दिया जा सके। उसमें छात्राएं अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों की भी मदद कर पाएंगी, सुरक्षा कर पाएंगी। इसी क्रम में 100 नंबर और 1090 के विषय में भी बताया गया कि किस प्रकार की घटनाओं के संबंध में उन्हें 100 नंबर में या 1090 पर जानकारी दी जा सके। और उन्होंने ये भी बताया कि 1090 में उनका नाम यदि वो चाहेंगे तो गोपनीय रहेगा और उनकी कॉल भी महिला अधिकारी द्वारा ही रिसीव की जाएगी।